शैली बदल गई, भाषा बदल गया, तो जो लोग जहां रहे, जो लोग जहां रहे, जिस धरती पे रहे, जिस मिट्टी में रहे, अपने अपने नाम से पुकारने लगे। कोई अमेरिका में रहे तो वाटर बोले मगर माना हुआ पानी, कोई बंगाल में रहा तो जौल बोला मगर माना हुआ पानी, कोई तमिलनाडु में रहा तो तन्नी बोला माना हुआ पानी, कोई अरब में रहा तो माउन बोला माना हुआ पानी, कोई ईरान में रहा तो आप बोला माना हुआ पानी। भाषा भाषा अनेक है, जबान अनेक है, लैंग्वेज अनेक है, मगर सबका माना एक। चाहे वाटर बोले, माउन बोले, आप बोले, जौल बोले, तन्नी बोले, भाषा अनेक, लैंग्वेज अलग अलग, जबान अलग अलग, मगर सबका माना और जोर से सबका माना एक। उसी तरह मेरे नबी को, आपके नबी को, कायनात के दूल्हा को, खातून जन्नत के बाबा को, तमाम जन्नती जवानों के सरदार हजरत इमाम हुसैन के नाना जान यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कोई अपनी किताब में जगतपति कहा, कोई अपनी किताब में कल की अवतार कहा, कोई अपनी किताब में नराशंस कहा, कोई अपनी किताब में महामद कहा। भाषा अनेक है, भाषा अनेक है, मगर सबका माना एक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने सरकारे सुरकाही। जगतपति उनकी उसकी किताब में आया, जगतपति जग का माना होता है दुनिया, जग का माना। बोलिए ना भाई, अजीब टेंशन है, अजीब टेंशन है भैया। हमारी उम्र ज्यादा नहीं, 28 साल हमारी उम्र है, ये हकीकत बता रहा हूँ, है ना। 12/10/1994 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हकीकत है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रटा रटाया चतुर्वेदी हूँ ही नहीं जी, मैं पढ़ा लिखा चतुर्वेदी हूँ, और मैं जो भी बात बोल रहा हूँ पूरे सबूत के साथ बोल रहा हूँ। गौर से सुनिए जी, हम गोरखपुर में तकरीर कर रहे थे, तकरीर करके उतरे तो चंद महाराज लोग आ गए, बोले महाराज, हमसे बोले महाराज एक बात पूछे। हमने कहा पूछ लीजिए, टेंशन की क्या बात है। तो बोले कि क्या पहले आप उधर से थे क्या? हमने कहा किधर से? बोले नहीं उधर से थे क्या? बोले किधर से, क्लियर ना बताइए किधर से थे। बोले पहले आप किधर से थे? हम बोले नहीं महाराज, हम शुरू से इधर से हैं, उधर से उधर हम कभी गए ही नहीं है जी। हाँ तो ठीक ठाक है ना आप लोग? आप सुनिए, लोग कहेंगे कि भाषा अनेक है, सबका माना मोहम्मद कैसे? तो जवाब सुनिए, जग का माना दुनिया, जग का माना दुनिया। अब पति का मतलब, पति का मतलब, पति का मतलब क्या होता है? नहीं जानते पति? नहीं जानते? आधार कार्ड वोटर कार्ड बना है, उसमें क्या लिखा रहता है लेडीज के नाम से पहले? पति या पिता, पति या पिता। पति का मतलब अक्सर लोग, हिंदू समुदाय के लोग भी यही समझते हैं कि पति का मतलब दूल्हा होता है या हस्बैंड होता है या शोहर होता है। ऐसा नहीं है, पति का मतलब न दूल्हा होता है, न हस्बैंड होता है, न शोहर होता है, बल्कि पति का मतलब रक्षक मुहाफिज। पति का मतलब रक्षक मुहाफिज। औरत के शोहर को पति इसलिए बोला जाता है कि उस औरत का हाकिम वो है, उसका रक्षक वो है, उसकी हिफाजत करने वाला वो है, उसकी हिफाजत करने वाला वो है, उसका मुहाफिज वो है। इसलिए औरत के शोहर को पति बोला जाता है। अब जहन को करीब कीजिए, जग का मतलब दुनिया, जग का मतलब संसार, पति का मतलब रक्षक, पति का मतलब मुहाफिज, पति का मतलब हिफाजत करने वाला। इस दुनिया में हर तरफ बदअमनी का माहौल था, हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म था, गरीबों पे अत्याचार किया जा रहा था, बेसहारों को सताया जा रहा था। इसी मुल्क भारत का हिस्ट्री सुनिए, इसी मुल्क भारत के इतिहास को सुनिए, ब्राह्मण समुदाय के हिस्ट्री को सुनिए। ब्राह्मण समुदाय का मामला ये था, अगर किसी औरत का पति मर जाया करता था, अगर उस औरत का शौहर मर जाया करता था, तो उस औरत को जिंदा उसके शौहर के साथ चिता पे लेटा करके जला दिया जाता था। इसलिए जलाया जाता था कि मनहूस है, डायन है, अपने शौहर को खा गई है, अपने पति को खा गई है। जब हर तरफ बदअमनी का माहौल था, जुल्मो सितम का बाजार गर्म था, इस जमीन
का रक्षक उस वक्त कोई ना था, इस जमीन का मुहाफिज कोई ना था। ऐसे घड़ी में, ऐसे टाइम पे अल्लाह ताला ने इस जमीन का मुहाफिज बना करके, इस जमीन का रक्षक बना करके किसी और को नहीं, आमना के लाल को, अब्दुल्ला के लखते जिगर को, सुम्मती के बेटे को, विष्णु यश के आंखों के तारे को, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इस जमीन पे विराजमान कर दिया। कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? क्या है, पीछे वाले नहीं जाना चाहते हैं? उठाइए भाई, उठाइए, सब लोग उठा के रखिए। जाना है जन्नत में? जाना है, जाना है पक्का? जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देख ला आईना में, ई मुंह मसूर की दाल। आई जवान, जवान तो अलग दावा करता है, जोहर बरसाती साहब बोला कि हम जन्नती जवान हैं। अबे गरम फुटवा है, थ्री कट कटिंग कटवा रहा है, इधर साफ करेगा, इधरों साफ कर लेता है, इधरों साफ कर लेगा, बीच में थोड़ा सा रखेगा, बीच में थोड़ा सा रखेगा और उसको लाल पीला ब्लू हरा करवा लेता है। दूर से आता है तो पते नहीं चलता है कि आ रहा है कि आ रही है, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है, मुजक्कर है कि मुअन्नस है, है ना, ये पता ही नहीं चलता है। दावा करेगा जन्नत में जाने का, मत पूछिए जवान तो कपड़ा ऐसा पहनता है, अल्लाह, जींस पैंट को 44 जगह, जींस पैंट को 44 जगह फाड़ के पहनता है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ससुराल से चंदा मांग के पहने हुआ है। हाँ, दावा करेगा जन्नत में जाने का जी, एक वक्त नमाज नहीं पढ़ेगा, 2 महीना के बाद रमजान शरीफ का महीना आने वाला है कि नहीं, है ना? देखिए, देख रहे हैं, 2 महीना के बाद रमजान है, रमजान 2 महीना के बाद है, अल्लाह अकबर, का होगा, इनको पता ही नहीं है कि रमजान कब है, इनको तो ईद की जल्दी होती है, चांद नहीं भी हो तो इमाम साहब के पास दौड़ के जाएंगे मुटका लाठी लेके, बोलिए कल चाहे कल ईद है, जबरदस्ती आप बोलिए कल ईद है, रमजान की कोई फिक्र नहीं है। दो चार दस दिन के बाद रमजान शरीफ है भाई, यही ना, हफ्ता दिन के अंदर रमजान शरीफ का महीना आने वाला है। एक भी रोजा ये जवान नहीं रखता है जी, घर में सेहरी खा लेगा, जाएगा मरवन चौक पे देखेगा जिस होटल में पर्दा लगा है, झट से घुसा, खट से खाया, फट से निकला, होठ को पोछता हुआ निकला, कोई देख लिया बोला कारे डब्लू रोजा ना है का, बोलेगा का कहे जुम्मन चचा, टाइफाइड पकड़ लिया है, मलेरिया के चक्कर में पड़ गए हैं, है ना, डेक्लोबिन का पत्ता लेके दिखाएगा, देखिए ना डेक्लोबिन दवा खा रहे हैं, इसीलिए रोजा नहीं रख पा रहे हैं। दावा करता है जवान जन्नत में जाने का, एक वक्त नमाज नहीं पढ़ता ये जवान, 11 बजे दिन में मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएगा हुजरा में, बोलेगा हजरत है, मौलाना साहब अंदर से आवाज देते हैं कि हाँ है, गेट पे जाएगा हाफ पैंट पहन के, बोलेगा हजरत, ये सलाम करने का स्टाइल है जवानों का, हजरत सलाम कर रहा है कि क्या कर रहा है, तमाचा दिखा रहा है। अब बैठ जाएगा इमाम साहब के चौकी पे, इमाम साहब के भी आराम को खराब कर देता है, अब बोलेगा हजरत शब रात के महीना में खूब पैसा आप कमाए हैं, कुछ खर्चा बर्चा कर ना लीजिए, यही बोलता, हकीकत बता रहा है, कुछ खर्चा बर्चा कर लीजिए, रे करम फुटवा, इमामे के पैसा का गुटका शेखर बीमल खा रहा है, मदरसे को बैठ करके खराब भी कर रहा है। 11 बजे दिन से लेकर के 1 बजे दिन तक बैठा रहेगा इमाम के हुजरे में, जैसे ही अजान होगी जोहर की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जवान कहेगा हजरत ठीक है आप नमाज पढ़िए हम जब तक आते हैं। अबे अजान सुन के तो शैतान भागता है, तू नबी का गुलाम है, तू काहे को भाग रहा है अजान सुन करके, अजान सुन के तो मुसलमान नहीं ना भागता है, फिर तू क्यों भाग रहा है? एक वक्त नमाज नहीं पढ़ेगा मगर दावा करेगा जन्नत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर आजम हिंदुस्तान हजरत शमीम रजा फैजी झारखंड, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा डॉक्टर इकबाल अहमद साहब चतुर्वेदी, शायर अहले सुन्नत जनाब जौहर वैशालवी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। देखिए शायर इंटरनेशनल अलहाज अशाह शमीम रजा फैजी साहब कुला मधुपुर झारखंड की आमद आमद,
हो चुकी है स्टेज पे, हजरत पूरे आन बान शान के साथ मंच पे विराजमान है, बहुत खूबसूरत है। दोनों शायर नाले पे ताला है, दोनों की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है माशाल्लाह। और आलिम तो खूबसूरत हुआ ही करते हैं सुभान अल्लाह, चाहे काले क्यों नहीं हो। एक तो आप कल्लू हैं, दिनदा दाढ़ी छिला के मोरी में डाल रहे हैं, आपका चेहरा आईना में देखने के लायक नहीं है, मगर आलिम काले होते हैं, बिलाली रंग भी होता है, मगर बहुत ज्यादा खूबसूरत रहा करते हैं। उसकी वजह यह है कि चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा सजाए रहते हैं। जो चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा सजा लेते हैं, अल्लाह ताला उसके चेहरे को दुनिया में भी चमकदार बना देता है, कब्र में भी उसका चेहरा चमकेगा, हश्र के मैदान में भी उसका चेहरा चमकेगा। जुमा की नमाज नहीं छोड़ता है जी, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, बिल्कुल पौने एक बजे 12:55 पे मस्जिद में जाएगा। इमाम साहब अगर तकरीर लंबी कर दिए तो बगल वाले को इशारा गया, हो जल्दी खत्म करने के लिए, हो जल्दी खत्म करने के लिए। इमाम साहब को क्या काम है, हमको बहुत सारा काम है, इधर जाना है उधर जाना है, हो जल्दी खत्म करने के लिए। इमाम साहब नमाज पढ़ाए, ये पीछे नमाज पढ़ता है इमाम साहब की इक्तदा में, इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है नमाज पढ़ने के लिए कि जैसे ही रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। हाँ, इमाम साहब दुआ करते हैं, या इलाही, अगर इमाम साहब ने दुआ लंबी कर दिया, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला ए रब शहीदे करबला के वास्ते, तो पीछे से ये नौजवान कहता है, इमाम साहब जल्दी से दुआ को खत्म कीजिए ना, पॉप जी गेम खेलने के वास्ते। अदावा करता है जन्नत में जाने का, ऐ नौजवानों मैं आपको हंसाने के लिए ऐसा जुमला नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अपना ऐसा अंदाज है कि आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। ऐ जवानों सुनो, आप आइडियल करते हो इस्लाम इज द बेस्ट religion, no any religion better than Islam, if any religion has the chance of the ruling our England, now Europe think next 100 years, if can only be Islam. I have always heard the Muhammad in his mission because wonderful, life is the Muhammad, life is the Muhammad, life is the Muhammad, ideal is any person, ideal is any person, Muhammad is a global Muhammad, subhanallah subhanallah, puri duniya ke liye to ideal ban kar ke mere Mustafa aaye hain, puri duniya ke liye namuna ban kar ke mere Mustafa आए हैं। एक यहूदी चलने का तरीका मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीख रहा है, एक ईसाई बोलने का तरीका मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीख रहा है, एक यहूदी बीवी से मोहब्बत करने का तरीका मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीख रहा है, एक ईसाई बेटी से प्यार करने का तरीका मेरे मुस्तफा की जिंदगी से सीख रहा है। मगर आज ये उम्मत मोहम्मदिया के जवानों का हाल यह है कि आज ये आइडियल कर रहा है मुंबई के नापाक लोगों की, मुंबई के सलमान की आइडियल कर रहा है, मुंबई के शाहरुख की आइडियल कर रहा है, मुंबई के जॉन की आइडियल कर रहा है, मुंबई के आमिर की आइडियल कर रहा है। ओ सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी दयालु जयालु जवानों, अगर आप नकल करना चाहते हैं तो इकबाल चतुर्वेदी आपको नकल करने से मना नहीं कर रहा है, आप नकल करना चाहते हैं आप खूब नकल कीजिए ना, मगर मुंबई के नापाक लोगों की नकल नहीं कीजिए, उसका दीन दुनिया दोनों तबाह है। अगर आपको नकल ही करना है, अगर आपको नकल ही करना है तो सुरकाही शरीफ के बाबा तेगे अली की नकल कीजिए ना, अगर आपको नकल ही करना है तो बिहार शरीफ के मखदूम बिहारी की नकल कीजिए, अगर आपको नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल कीजिए, अगर आपको नकल ही करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल कीजिए, अगर आपको नकल ही करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल कीजिए, अगर आपको नकल ही करना है तो सिद्दीक अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए, अगर आपको नकल ही करना है तो करबला वाले हुसैन आजम की नकल कीजिए। जब आप इन मुकद्दस लोगों की नकल कीजिएगा, कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा, दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। जी तो जवानों का हाल है, मेरी माँ बहन भी कम नहीं है जी, दिन रात 24 घंटा सीरियल में बिजी रहती है,
24 घंटा सीरियल देखने में लगी रहती हैं, और ये भी दावा करती है कि हम जन्नत में जाएंगे। रमजान में मुकम्मल रोजा रखती है मगर एक वक्त नमाज नहीं पढ़ती हैं, और दावा करती हैं जन्नत में जाने का। चुगलखोरी करने में इनसे ज्यादा आगे कोई नहीं है मगर दावा करती हैं जन्नत में जाने का। जब ये रोड पे बाजारों में निकलती है इनके सरों पे दुपट्टे नहीं होते हैं मगर ये दावा करती हैं जन्नत में जाने का। ओ मेरी माँ बहनों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप घर में रहती हैं, आप बगैर दुपट्टे के रहती हैं, बगैर आंचल के रहती हैं, कोई बात नहीं है, मगर जब आप रोड पे निकलती हैं, बाजार में निकलती हैं, आपके सर पे दुपट्टा नहीं होता, आपके सर पे कपड़े नहीं होते, आप दिन रात चुगलखोरी करने में लगी रहती हैं, गीबत करने में लगी रहती हैं, आप समझती हैं हम बहुत ज्यादा कामयाब हो गए हैं, हम जन्नत में चले जाएंगे। ओ मेरी माँ बहनों, अभी आपने देखा नहीं है, मुल्के भारत की एक बच्ची ने अगर पर्दे का एहतमाम किया है तो चंद भेड़ियों ने जब घेर लिया, बच्ची ने सोचा हम बापर्दा होकर के आए हैं, हम मुसलमान की बेटी हैं, हम ईमान वाले की बेटी हैं, हम बेपर्दा बाजारों में निकल नहीं सकते हैं, हम बेपर्दा कॉलेज में जा नहीं सकते हैं, हम बेपर्दा स्कूल में जा नहीं सकते हैं, हम जहां भी जाएंगे हम नबी के उम्मती की बेटी है, हम जहां भी जाएंगे बापर्दा होकर के जाएंगे, बाहिजाब होकर के जाएंगे। उस बच्ची को जब चंद भेड़ियों ने घेर लिया, बच्ची ने सोचना शुरू किया अब करे तो क्या करे, अब किसका नाम लिया जाए जो जान बच जाए, बाप का नाम ले तो जान बच जाएगा, दादा का नाम ले तो जान बच जाएगा, खानदान वाले का नाम ले तो जान बच जाएगा। बच्ची ने सोचा कि न बाप का नाम लेने से जान बचेगी, न दादा का नाम लेने से हमारी जान बचने को है, न खानदान वाले का नाम लेने से हमारी जान बचेगी। फिर बच्ची ने सोचा कि आखिर इस जगह पे किस जात का नाम लिया जाए, तो बच्ची ने सोच करके ये ज़हनी फैसला किया कि आखिर उस दाते बाबरकात का नाम क्यों नहीं लिया जाए जो जात मेरे बाप को भी पैदा किया है, मेरे दादा को भी पैदा किया है, मेरे खानदान को भी पैदा किया है, जो जात हमें भी पैदा किया है। चंद भेड़ियों के बीच बच्ची ने नाम अल्लाह अकबर के सदा को बुलंद किया तो अल्लाह ताला ने उस बच्ची के नाम को इतना बुलंद कर दिया, इतना आला कर दिया कि आज पूरी दुनिया के लोगों की जबान पे नामे मुस्कान गूंज रहा है। इससे बड़का नोट नहीं है क्या भटनी में? भटनी है नाम ना है। भटौना में बस 10-20% लग रहा है एटीएम से निकला है का। मोदी जी इतना बेमुहा बना दिए कि देखने का मन नहीं करता है। नेपाल में नेपाली और इंडिया में इंडियन दस्तकिया देख के वैसे ही हम तबाह हैं। और ओ मेरी माँ बहनों, एक पैगाम लो, आप जन्नत में जाना चाहती हैं, जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। आप जलसा सुनने आई हैं, आप गौर से जलसा सुन करके जाएं, मगर जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। आप नमाज की पाबंदी करें, आप शोहर की फरमा बरदारी करें, जब आप रोड पे निकले तो बा पर्दा होकर के निकले ताकि कोई देख करके समझ जाए कि दुनियादार की बेटी नहीं जा रही है बल्कि मदीने के ताजेदार के गुलाम की बेटी जा रही है, मदीने के आका के गुलाम की बेटी जा रही है जो रोड पे बापर्दा होकर के जा रही है। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर आप जन्नत में जाना चाहती हैं तो आइए मेरे नबी की लाडली दुलारी प्यारी मनमोहनी बेटी जिनका नाम खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा है, आइए आप उनकी जिंदगी को देखिए। जब आप उनकी जिंदगी को देखेंगी और उनकी जिंदगी को देख करके आप उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगी तो आप फातिमा तो नहीं बन सकती है मगर कनीजा ने फातिमा बन करके हकदारे जन्नत हो सकती है। अब आइए उस मंत्र का तर्जुमा लीजिए तेजी में। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं ना, माशाल्लाह ठीक ठाक लग रहा। अच्छा, एक शेर हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ दे शेर। देखिए हमारी आवाज शायरे इस्लाम अलहाज शाह हजरत हाजी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें खबर नहीं थी मगर एक जलसे में अभी साथ में थे, वो तारीख कौन सी थी, 24 की तारीख थी मधेपुरा में, तो उसी दिन हमको खबर हुई कि शायर हिंदुस्तान शायर इंटरनेशनल हजरत मौलाना शमीम रजा फैजी साहब कुल्ला है ना, शमीम रजा फैजी साहब कुल्ला माशाल्लाह हाजी भी हैं सुभान अल्लाह, तो इनके चेहरे को देखते रहिए और अपने नामे अमाल से पाप यानी गुनाहों को साफ करवाते रहिए। शेर पढ़ रहे सुनिए,
हाँ जी, हम ऐसा जैसा हम पढ़ देंगे वैसा न जौहर वैशाली साहब पढ़ सकते हैं न शमीम भैया पढ़ सकते हैं जी, इतना गड़बड़ हम पढ़ते ही हैं, है ना। हाँ पढ़ दे, पढ़े शेर, पढ़े शेर, पढ़ रहे मंत्र का तर्जमा कर रहे हैं, तेजी में सुनिए। दुई दशरबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अर्थ भूतलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभित मरु आदि ज्योति जन्म स्थलम। इस मंत्र का तर्जमा सुनिए। बारह रबीउल अव्वल, टेंशन में है कि महीना रबीउल अव्वल का नहीं है, शाबान का महीना है, अगर वो महीना ना होता तो कुछ भी ना होता, सब कुछ आया है उसी महीने के सदके। बारह रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो अइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो, अइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो। बुधवन के दहिया टूटल फूटल का पार हो, मक्का में पैदा भइलने मदनी सरकार हो, मक्का में पैदा भइलने मदनी सरकार हो। आइए उस मंत्र का तर्जमा मुलाहिजा कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ने पापम इल्ला लम्मा परम पितम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम है आमाल से, बंदे के नाम है आमाल से गुनाहों को यानी पापों को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम पितम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह ताला बंदे के नाम है आमाल में नेकियां लिखता जाता है, सुभान अल्लाह। तो जितने लोग अपने अपने सीना को इश्क नबी का मदीना बनाना चाहते हैं, अपने अपने पाप यानी गुनाह को मिटवाना चाहते हैं, बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस मंत्र की फजीलत क्या है सुनिए, हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से सुनिए, ये बात तो उसके यहाँ से कहे, अब हमारे यहाँ से सुनिए। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से 12,000 गुनाहे सगीरा को मिटा दिया करता है, सुभान अल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में 12,000 नेकियां जोड़ दिया करता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा, पहला नाम खुदा, दूसरा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब हो ईश्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा, तुलसी भजन सत्य जग गोई बिना मोहम्मद पार न होई, चाहे प्रभु चाहे ईश्वर कहो तुलसी बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है जिसने जिंदगी भर आग की पूजा किया है, पत्थर की पूजा किया है, आसमान को पूजा है, जमीन को पूजा है, अगर अंतिम समय में लास्ट टाइम पे तुलसीदास अपने मानने वालों को अपने भक्तों को आदेश देते संदेश देते पैगाम देते कि ओ मेरे मानने वालों, ओ मेरे भक्तों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ो, अगर तुम लोग स्वर्गवासी बनना चाहते हो, तुम लोग जन्नत की प्राप्ति चाहते हो तो किसी और के दामन को मत पकड़ना, मदीने के ताजेदार के दामन को पकड़ लेना, जन्नती बन जाओगे। अब आखिरी मंत्र का तर्जमा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, है ना। आइए, भागवत महान कुरान है किताब का नाम, जहन हाजिर है कि खत्म करें हम, कोई टेंशन उन्शन है क्या, टेंशन उन्शन नहीं ना, सुनेंगे ना दो चार मिनट और इंशाल्लाह। भागवत महान पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 है, मंत्र नंबर 17 और 18 है। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदान अंधिकारम विना संविधायम हेत हेतु तह विवेक हेत स्विनंतरे मलेच आचार है हयात है महामद नारे तकबीर। हजरात देखिए, खतीब महाराष्ट्र मुजाहिद अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना सुहेल रजा साहब क़िबला निज़ामी मुंबई तशरीफ ला रहे हैं। ये आपकी ज़ियाफ़त के लिए हजरत को पहले लाया गया है ताकि आप हजरात न चले जाएं। मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर नारे रिसालत। खतीब महाराष्ट्र अल्लामा सुहेल रजा कादरी साहब क़िबला,
के नूरानी रुख ज़ेबा की ज़ियारत से आप तमाम हज़रात मुस्तफ़ीज़ होते रहे। बस दो मिनट और दो मिनट आखिरी मंत्र का तर्जमा कर दे। अज्ञान है तू, जब पूरी दुनिया में ला इल्मी का जमाना होगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो अज्ञान है तू किर्त मोहम्मद आनम अंधिकारम। इस मंत्र में मेरे नबी के नाम को बिल्कुल क्लियर किया गया मोहम्मद आनम, तो उस वक्त में ऐसे बालक इस जमीन पर आएंगे, ऐसे व्यक्ति इस जमीन पर आएंगे जिनका नाम जमीन पर मोहम्मद होगा, सुभान अल्लाह। और आगे कहा गया आकाशियम अहमदम, उनका नाम आकाश पे अहमद होगा। ये मैं अपने किताब की बात नहीं कर रहा, उसके किताब की बात कर रहा। भागवत महान पुराण है, स्कंद नंबर 12 है, अध्याय नंबर 2 है, मंत्र नंबर 17 है। शक हो तो किताब खोल करके चेक कर लीजिए। उनका नाम जमीन पे मोहम्मद, आकाश पे अहमद होगा। आप आए अल्लामा सुहैल रज़ा कादरी से पूछे कि हमारी किताबों में मेरे नबी का नाम जमीन पे क्या है। अल्लामा कहेंगे मेरे नबी का नाम जमीन पे मोहम्मद है, आकाश पे अहमद है। उसकी किताब से भी यही साबित हुआ, उनका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा, आकाश पे अहमद होगा। हे कृत, वो सबके हितकारी होंगे, सबके हक में भलाई करने वाले होंगे, सबका भला सोचने वाले होंगे, सबके लिए नबी बन करके आएंगे, सबके लिए रहमत बन करके आएंगे, मुसलमानों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, ईसाइयों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, नसरानियों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, यहूदियों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, काफिरों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे। मोहम्मद आनम अंधिकारम विनाशम, और जब वो मोहम्मद आएंगे तो इस दुनिया में जो हर तरफ अंधेरा फैला होगा, अंधेरे का सर्वनाश होगा, अंधेरे का खात्मा होगा, अंधेरे का नाश होता जाएगा, हर तरफ उजाला फैलता चला जाएगा। तभी तो किसी कहने वालों ने कहा, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हे तहे तू तहे विवेक, ओ संसार में बसने वाले मनोश, उसी मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो वही रास्ता सच पथ रास्ता होगा, और उसी रास्ते पे चलने वाला लोग स्वर्ग का भागीदार बनेगा, जन्नत का हकदार बनेगा। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, वो सुंदर शरशलील मोहम्मद की जात है। और जिन्होंने उंगली से चंद्रमा को दो भाग कर दिया, वो लाजवाब बेमिसाल मोहम्मद की जात है। उनवान बाकी रहा, इंशाल्लाह हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी। आइए सब लोग मिलकर के पढ़िए कलमा शरीफ, कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते।